अब तो जो हार जाता था नापास हो जाता था वो भी पास होने लगा और जीतने लगा। जीत और पास होने में सफलता मिली तो उसकी योग विद्या में श्रद्धा बढ़ गई। उसका नाम था रोहित। रोहित की श्रद्धा बढ़ गई। अब तो वो योग में इतना आगे बढ़ा के बैठे तो बस ध्यान लग जाए देवी देवताओं का, जिसका मन से भाव करे उसके सूक्ष्म जगत में दर्शन होने लगे। अब तो मानो योग विद्या में वो पहले से भी आगे निकल गया। एक दिन पिता के साथ खेत में जाना पड़ा, लौट के आए पिता ने गांव के और खेत के बीच में जो सुनसान जगह था वहां खूब घास था, बैलों को खोल दिया, बोले घास चर ले बैल और अपन थोड़ा नाश्ता कर लेते, सूरज ढल गया है। बैल तो चरते चरते गांव में भाग गए। अब पिता ने कहा अच्छा बेटा तू यहाँ रहो, मैं ले आता हूँ बैलों को। गांव में तो मेहमान आ गए, मेहमानों से बातचीत किया है, वो क्या देर हो गई, नगर के द्वार बंद हो गए। बेटा शमशान के नजीक बैलगाड़ी के नीचे ध्यान में बैठ गया। ओम 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 शांति, ओम ओम आत्मविद्या, ओम ओम ईश्वरीय विद्या, ओम ओम ध्यान किया और फिर नींद आ गई। पास में शमशान थे, भूतों ने देखा कि एक लड़का सोया है, चलो अपन डरावने रूप दिखाएं, उसको डरा के उसमें घुस जाएं। सारे भय खोए करते करते भूत और भूत का मुखिया थक गया। नजीक जाते तो उस लड़के के शरीर से जो आत्मविद्या और योग विद्या के वाइब्रेशन थे वो उनको जलाने लगे। आखिर भूतों के मुखिया ने देखा कि ये लड़का पूजनीय है, इसके अंदर योग विद्या का, आत्मविद्या का, मंत्र जाप का ओरा प्रकट हुई है। हमने इसको सताया लेकिन ये हिला भी नहीं, अपने सोते सोते ध्यान में, कभी ध्यान में नींद में, नींद में ध्यान में, सारी रात इसकी तपस्या हुई। इसकी सेवा करेंगे तो अपनी सदगति होगी, नहीं तो अपने को पाप लगेगा। जाओ प्यारे भूतो जाओ, राजा के महल में खास राजा की सुंदर जो थाली है सोने की, सोने का थाल वो ले आओ, उसमें व्यंजन ले आओ, उसके आगे लगाएंगे, भोग धरेंगे। भूत वहां से चुरा के ले आए, उसकी बैलगाड़ी में लकड़ियों के बीच भोग का थाल रख दिया। सुबह राजा उठे, रसोई ने कहा राजा आप जिसमें नाश्ता करते थे वो थाल गायब है और आपको जो देने वाली वैरायटियां थी वो गायब है। राजा ने चारों तरफ पुलिस के आदमी भेजे, घूमते घामते शमशान के नजीक बैलगाड़ी खड़ी है उसमें एक थाल पड़ा है। पुलिस के आदमी ने देखा, लड़के को पकड़ा। चोर, बोले चोर किस बात का, बोले ये थाल मुझे पता नहीं। इतने में उसका बाप आ गया, दोनों को राजा के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन लड़का निर्भीक था, चोर नहीं तो डर किस बात का। बाप ने कहा कि मैं तो ऐसे ऐसे गया था, अभी आया उनके सामने। राजा ने दोनों से पूछा, लगा कि दोनों निर्दोष है लेकिन थाल इनकी बैलगाड़ी में कैसे आया। दोनों लड़कों को लेकर भगवान बुद्ध के पास राजा गया। दो लड़के में से एक लड़के का नाम क्या था, रोहित, ठीक, जमींदार का बेटा और जमींदार खुद और राजा। बुद्ध को कहते हैं कि ये दोनों निर्दोष लगते हैं, अगर इन्होंने चोरी की होती तो बैलगाड़ी में यहां नहीं रखते, घर में छुपाते अथवा जमीन में छुपाते। अगर चोरी नहीं की तो ये थाल आया कैसे, क्या भूत ले गए। बुद्ध ने ध्यान लगाकर देखा कि हाँ, ये जप करते करते ध्यान करते करते सोया, इसकी योग विद्या जगी है, आत्मविद्या जगी है, इसलिए भूत विफल हो गया। आखिर भूत इसको खुश करने के लिए राजा के यहां से लाई। अरे भगवान का ध्यान करने वाले की तो देवता लोग सेवा करते, भक्त लोग सेवा करते, समिति वाले सेवा करते, तो भूत का बाप भी सेवा करे, क्या बड़ी बात है। तो विद्या कितने प्रकार की होती है, एक स्कूल कॉलेज में जो पढ़ते हो इसे ऐहिक विद्या कहते, दूसरी ध्यान करके जप करके योग विद्या सीखी जाती है, और तीसरी तत्व ज्ञान दर्शन शास्त्र का
उपदेश सुनकर दर्शन शास्त्र समझकर आत्म विद्या सीखी जाती। ये तीनों विद्या पहले गुरुकुलों में सिखाई जाती थी और बड़े बहादुर पैदा होते थे, साहस। भगवान राम भी ये तीनों विद्या से संपन्न थे, भरत भी तीनों विद्या से संपन्न, लव और कुश भी तीनों विद्या से संपन्न। तो आप योग विद्या से संपन्न होना चाहते हो कि खाली रोटी विद्या सीखना चाहते हो? रोटी विद्या तो आजकल पढ़ाई जाती है और वो सर्टिफिकेट लेके घूमते। हर साल 600 सीटें खाली होती है आईएएस ऑफिसरों की, रिटायर होते हैं, दूसरे भर्ती होते हैं, लेकिन हर साल 2.5 लाख बच्चे आईएएस होने के लिए भर्ती होते हैं। चाहिए 600 और भर्ती होते हैं 2.5 लाख, बाकी के सब इतना समूह लेकर एक कलेक्टर की पोस्ट के लिए तैयार हुआ। आखिरी एग्जाम होते होते कई फेल हो जाते, कई पास भी हो जाते हैं। एक आईएएस और आमलेट बेच रहा है, दूसरा आईएएस मेरे यहाँ 700-800 में नौकरी कर रहा है, एकदम चपरासी की। तो सर्टिफिकेट तो है ऐहिक विद्या के, लेकिन योग विद्या होती तो सर्टिफिकेट हो चाहे ना हो, लेकिन योग के बल से आदमी बहुत ऊंचा उठ जाता है, बड़ा उद्योगपति बन जाता है, बड़ा नेता बन जाता है और बड़े में बड़े भगवान के साथ हाथ मिलाकर ब्रह्मज्ञानी संत भी बन जाता है। योग विद्या का ये पावर है। नरेंद्र के पास ऐहिक विद्या थी, लेकिन रामकृष्ण के चरणों में जाकर योग विद्या सीखे तो नरेंद्र को हिंदुस्तानी नहीं अमेरिकन लोग भी मानने लगे, मत्था टेकने लगे। प्रोफेसर तीर्थराम एमए पढ़े थे, लेकिन योग विद्या ऐहिक विद्या के साथ योग विद्या पढ़े। अमेरिका में जब उपदेश दिया तो अमेरिका का राष्ट्रपति उनके चरणों में शांति पाने को आता है। योग विद्या तो मैं बताऊंगा थोड़ी बहुत मंत्र दीक्षा के समय। अभी तो तुम्हें ऐहिक विद्या में सफलता मिले, अच्छे मार्क से तुम पास हो जाओ, शरीर तुम्हारा मजबूत रहे और तुम्हारे अंदर के जो केंद्र हैं वे योग विद्या के कुछ विकसित हों, ऐसा मैं प्रयोग बताऊंगा। आए दिन अखबारों में आता है कि फलाने लड़के ने ऐसी शरारत की कि वेबसाइट पर अपने स्कूल की कई बच्चियों को और मास्टरानी को गंदे रूप में धर दिया। जिसने सुनाए हाथ ऊपर करो, अखबारों में आया था। बच्चे के पास भावनाएं हैं, कर्म करने की शक्ति है, लेकिन भावनाओं को और कर्म को उन्नत बनाने की जो आत्मविद्या और योग विद्या नहीं है तो बच्चे गड़बड़ बहुत करेंगे। वही बच्चे खूनखार डाकू बन जाते और वही बच्चे देवता स्वरूप और भगवान के प्यारे दुल्हारे भी बन सकते हैं, उनकी वो योग विद्या के द्वारा यात्रा हो। तो अमेरिका में एक लड़का ने फिल्म देखते देखते, क्रिमिनल फिल्म देखते देखते लाइन दंगों